पुरानी मंदिरों को किस तरीके से नए तरीके से पेंट करके एक सेम पैटर्न की जो डिजाइन थी कॉमन कोर बिल्डिंग उसको फॉलो किया गया। इससे पता चलेगा कि इस धर्म पथ पर चलने से ही हमको पूरी रामायण काल की जो दृश्य है वो देखने को मिल जाएगा। ये यूनिक सा डिसीजन निकल कर आया है कि यहाँ पर दीवारों पर कितने अच्छे तरीके से पेंटिंग बनाई जा रही है। पथ के निर्माण के साथ साथ यहाँ पर आसपास जो 3D पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है भाई साहब। तो जय श्री राम, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम मौजूद हैं अयोध्या के सबसे प्रसिद्ध चौराहे पर। जी हाँ दोस्तों, इस चौराहे को लता मंगेशकर नाम से जाना जाता है। लता मंगेशकर चौराहा जल्द ही इसका यहाँ पर जो निर्माण है जल्द ही यहाँ पर किया गया है, और किस तरीके से इसकी भव्यता और सुंदरता देखने को मिलती है वो आज के इस वीडियो में हम दिखाएंगे आप सबको। जैसा कि दोस्तों हम आज आप सबको ऐसे चौराहे पर खड़े हुए हैं जहाँ से आपको बगल से रामपथ और पीछे से धर्मपथ की स्थापना हुई है, उसी के साथ साथ हमारे सामने आपको राम की पैड़ी देखने को भी मिल जाएगा। तो आज यहाँ से हम सारे पथों का अपडेट देंगे कि कहाँ तक अपडेट हमको देखने को मिल रहा है धर्मपथ और रामपथ का। उसी के साथ साथ हम नया घाट का भी सैर करवाएंगे आप सबको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लाइट के साथ साथ कॉमन कोर्ट बिल्डिंग का भी झलक आप लोग देख सकते हैं पूरी अयोध्या में, और लेके चलेंगे आपको यहाँ से सीधा लता मंगेशकर चौराहा, क्योंकि लता मंगेशकर चौराहा का दृश्य भी दिखाएंगे। काफ़ी खूबसूरत सा चौराहा है, वहाँ पर दूर दूर से लोग वहाँ पर भी टहलने के लिए आते हैं, क्योंकि वो चौराहा है जो हमें राम की पैड़ी, सरयू घाट, राम कथा संग्रहालय, अयोध्या का म्यूजियम, तमाम सारे ऐसे धार्मिक स्थल पर लेके जाता है जिससे हमारी रामायण काल को दर्शाता है जो चीज़ें। और ये कॉमन कोर्ट पूरा का पूरा यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है अलग अलग चौराहों के नाम से। यहाँ ये भी एक चौराहा है, ये भी डेवलप होगा। यहाँ पर भी कुछ रामायण काल के ही कुछ वस्त्र, कुछ चीज़ें रखी जाएंगे जिससे खिलकर चौराहा आए। दोस्तों हम धर्मपथ की बात करें तो धर्मपथ पर सूर्य स्तंभों की स्थापना हो चुकी है, वो हम प्रेजेंट टाइम साक्षात आप सबको दिखाने के लिए आ चुके हैं। यहाँ से देख सकते हैं धर्मपथ पर किस तरीके से सूर्य स्तंभों का जो लगना बाकी था वो फाइनली रूप से तैयार हो चुका है। तो उन्हीं सारे अपडेटों को दिखाने के लिए हम एक बार फिर से धर्म पथ पर मौजूद हैं, और जैसा कि हमने दिखाया कि लता मंगेशकर के जस्ट सामने इस पथ का भव्य निर्माण हो रहा है, और पथ के निर्माण के साथ साथ यहाँ पर आसपास जो 3D पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है भाई साहब। अयोध्या धर्म पथ ही एक ऐसा पथ है जहाँ पर पूरी रामायण काल की जो चीज़ें हैं, पूरी रामायण काल का जो दृश्य है आप सबको इसी एक पथ के जरिए ही आप सबको देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए इस पथ को काफ़ी ज़्यादा सुंदरता से निखारा जा रहा है। यहाँ पर 40 सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं, और उसी के साथ साथ मैं आपको जो पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं उसकी डिज़ाइन भी आपको मैं सामने से दिखाता हूँ उसका किस तरीके से मॉडल। और यहाँ पर देख सकते हैं स्तंभ को किस तरीके से मेंटेन किया जा रहा है भाई साहब। यहाँ पर ये रस्सी से खींच कर स्तंभ का जो फार्म है इसको ऊपर लेकर जा रहे हैं भाई साहब, और कार्यकर्ता लोग किस तरीके से इसको यहाँ पर लगाया जा रहा है। और उसी के साथ साथ मैं इधर दिखाता हूँ जो दीवारों पर पेंटिंग वगैरह बनाई जाएंगी उसका किस तरीके से फॉर्म यहाँ पर रखा गया है। ये आपको देख सकते हैं पिलर्स वगैरह काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, और यहाँ पर ये सामान रखे गए हैं पत्थर वगैरह जिससे दीवारों को ये ऊपर पेंटिंग्स बनाई जा सके। और दीवार अभी इस तरीके से दिखाई देगा पेंटिंग के बाद, यहाँ पर फिनिशिंग का काम हो रहा है काफ़ी तेज़ी से। यहाँ पर देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ साथ अब यहाँ पर ये फॉर्म जो है तैयार किए जा रहे हैं। एक साइड का जो कार्य था वो कंप्लीट हो चुका है, इधर देख सकते हैं सूर्य स्तंभ इधर लग चुके हैं एक साइड, और दूसरी साइड का वर्क बाकी है। दूसरी साइड का वर्क यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ अभी। दूसरी तरफ का जो वर्क है ये पूरा का पूरा वर्क बचा हुआ है, ये जैसे ही कंप्लीट होगा तो पूरा का पूरा जो धर्मपथ है वो आप सबको देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ फॉर्म वगैरह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फिनिशिंग का कार्य चल रहा है अभी, जैसे देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पर फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर है। और उसी के साथ साथ हम आप सबको दिखाने आए हुए थे कि यहाँ धर्मपथ और रामपथ का जो मिलाव होता है लता मंगेशकर चौराहा से ही होकर गुजरता है। तो आगे बढ़ते हैं, और लाइट यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ भाई साहब पुरानी मंदिरों को किस तरीके से नए तरीके से पेंट करके एक सेम पैटर्न की जो डिज़ाइन थी कॉमन कोर बिल्डिंग उसको फॉलो किया गया है। तो अब हम जल्द ही पहुँचने वाले हैं लता मंगेशकर चौराहा, फिर वहाँ पर हम वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि रामपथ वहीं तक
देखने को मिलता है, उसके जस्ट बगल से धर्म पथ की स्थापना हुई है। और जैसा नया नया अपडेट आता है धर्म पथ पर, भाई साहब डिजाइन बनाए जा रहे हैं, भगवान श्री राम का दृश्य चित्र बनाया जा रहा है आसपास, जो बगल बगल बड़ा बड़ा सा बोर्ड लगाया गया है उस पर। तो चलिए आगे दिखाते हैं, कुछ तस्वीरों को हम दिखाएंगे रामायण काल के चित्र, जो काफ़ी ज़्यादा इस समय फॉर्म में आ चुका है। उसका जो पेंटिंग का कार्य था वो कंप्लीट हो चुका है और वो अपना एक अच्छा स्वरूप ले चुका है, जो 3D पेंटिंग बनाई गई है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पैक होकर अभी RCC ईंटों को रखा गया है। इधर का जो अपडेट है अभी नहीं डेवलपमेंट हुआ है यहाँ का, आगे लता मंगेशकर चौराहा का ही डेवलपमेंट हुआ है। और मैं लेके चलता हूँ जहाँ पर आपको जो मूर्तियाँ हैं दीवारों पर, मूर्तियाँ जहाँ पर दिखने लगी हैं, जहाँ पर उनका सौंदर्य दृश्य दिखाई देने लगा है, वहाँ पर लेके चलता हूँ कि किस तरीके से निखर कर आ रहा है। तो चलिए ऐसे ही बने रहिएगा, आगे दिखाता हूँ आप सबको नया अपडेट। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, अगर हम खूबसूरती की बात करें तो जो पेंटिंग्स हैं किस तरीके से अपने फॉर्म में आ रही हैं। दीवारों का कुछ ये यूनिक सा डिसीजन निकल कर आया है कि यहाँ पर दीवारों पर कितने अच्छे तरीके से पेंटिंग बनाई जा रही है। अभी इसका कार्य जो है प्रगत पर है, इसको अच्छे से निखारा जा रहा है। और आगे मैं लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि कहाँ तक इसका वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है। ये यहाँ पर देख सकते हैं RCC पत्थरों को किस तरीके से काटा जा रहा है और इसको अपने आकार में लेकर आया जा रहा है। यहाँ पर राउंड शेप में बनाया जा रहा है, राउंड राउंड शेप में, हर एक थोड़ी थोड़ी जगह पर आपको राउंड शेप में देखने को मिल जाएगा, जिससे पथ की जो सुंदरता है वो निखर कराती है, खिल कराती है। यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा दृश्य आ रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया किस तरीके से धर्म पथ सजाया गया है। और यहाँ से मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, पत्थरों के जो पैकिंग है, पैकिंग करके किस तरीके से इसको लेकर आया गया था ट्रकों पर, और उसी के हिसाब से यहाँ पर क्रेन से इसको उतार कर यहाँ पर रखा गया। यहाँ पर लाइन वाइज देख सकते हैं, आपको लाइन वाइज यहाँ पर RCC ईंटें रखे गए हैं। ये पैकिंग से काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, ये प्लास्टिक के पैकिंग से इसको पैक करके लेकर आया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर जो पत्थर हैं उनको किस तरीके से लगाया गया है, ये कुछ इस तरीके का पथ देखने को मिलेगा। और दीवारों की बात करें तो दीवार पर भी पेंटिंग, अभी कई सारे दीवार खाली हैं। आपको मैं रिव्यू दिखाता हूँ कि यहाँ पर कई सारे दीवारों को पेंटिंग भी बन चुकी है, तो वो किस तरीके से यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ पर एक दीवारों को काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा यूनिक जो दृश्य होना चाहिए वो यहाँ पर बनाकर दिखाया गया है। इसी तरीके से पूरी अयोध्या का जो पथ है, धर्म पथ है, इसी चित्रों के आकार में उसको दर्शाया जाएगा। और इन्हीं चित्रों की बात करें तो सेम डिज़ाइन, सेम चित्र नहीं रहेगा, पूरे रामायण काल में पूरी रामायण की कथा पूरे दीवारों के जरिए ही दर्शाई जाएगी, जिससे पता चलेगा कि इस धर्म पथ पर चलने से ही हमको पूरी रामायण काल की जो दृश्य है वो देखने को मिल जाएगा।